एक बार एक न्यूज़पेपर में दो एडवर्टाइजमेंट छपे, एक लड़की के लिए वर चाहिए, दूसरा जीप बेचनी है, लेकिन गलती से दोनों के फोन नंबर आपस में एक्सचेंज हो गए। और इधर शर्मा जी बैठे अखबार पढ़ रहे थे, उनके बड़े बेटे की उम्र शादी लायक हो गई थी, तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पढ़ते ही फोन लगाया, लेकिन फोन लग गया वहां जिसे जीप बेचनी थी। हेलो बे लग जा। हेलो हेलो बे भैया गुंगों के सम्राट बोलो। बोलो भैया बोलो। हाँ हेलो 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 हेलो। अबे ई को मत निकाल बे, तेरी पहली हेलो पहुंच गई मेरे तक। काम बोल, काम क्या है? वो सर आपका न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा था। अच्छा देख लिया? देख लिया तो माल भी देखने आ जाइए। माल माल है मतलब कि आइटम। आप उसे आइटम बुलाते हैं? ए, देनी हमें लेनी तो है। अब माल कहो या आइटम एक ही बात है। वैसे ये कहो बताऊं, जिगर का टुकड़ा है मारे, जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं उसे। अच्छा भाई साहब वैसे उसकी उम्र क्या होगी? तो उम्र का जो है अपना उम्र का 85 का मॉडल है। मॉडल मॉडल है भैया, मॉडल वगैरह तो नहीं करती है एफटीवी वगैरह पर? अरे नहीं नहीं टीवी कहा, टीवी भी नहीं साहब, उधर कभी कभार गांव के फंक्शन में यूज कर लेते हैं उसका। यूज अच्छा भैया रंग कैसा है उसका? तो रंग का जो है अपना ऐसा रंग का तो कि कश्मीर के सेब का जैसा। अच्छा गोरा? अरे नहीं लाल। लाल चटक लाल। और उस पर आड़ी आड़ी सफेद धारियां। सफेद धारियां आड़ी सफेद धारियां। अबे लड़की है जेबरा। वो भी ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ये रेड एंड व्हाइट। अच्छा भैया एक बात पूछनी थी, वो क्या है ना साहब, घर के कामकाज में कैसी है? घर का सारा कामकाज इसी के भरोसे चलता है। अभी पड़ोस में शादी थी, शादी की सारी सब्जियां सारा अनाज और 150 कुर्सियां अपने ऊपर लाद लाई। चू तक नहीं करी। ये इतना अत्याचार, ये तो अच्छी बात नहीं है। अरे अत्याचार काय बात का, ऑयल पानी का ख्याल भी तो रखते हैं। पूरा मेंटेनेंस रखते हैं। आज भी लोग ऐसे ही दीवाने नहीं है इसके। अबे दीवाना कौन दीवाना है भाई? एक कौन दीवाना नहीं है? अपना सोनू, विकास, प्रकाश, हरीश और सबसे बड़ा दीवाना तो मिश्रा का लड़का मुन्ना। एक क्या बात कर दी, इतना ऐसा कर्रा दीवाना है कि किसी को हाथ नहीं लगाने देता, जहाँ भी जाता है साथ लेकर जाता है इसे। अभी निकल गया भारत भ्रमण पर अपने 8-10 दोस्तों के साथ, ले गया साथ इसे भी। खूब मजे किए सबने मिलकर। ओ भैया ऐसा ही था तो एडवर्टाइजमेंट को छपाया, मुन्ना को ही दे देता। अरे नहीं साहब, मैंने सोचा था मुन्ना को दे दूं, पर वो कहा है ना साहब, ये मुन्ना का बाप जो है बड़ा कंजूस है, पैसों के मामले में बात अटक जाती है। अबे तो पैसे भी मांग रहा है, दहेज भी मांग रहा है। वे भैया और कोई खूबी हो तो वो ही बता दे। अरे नहीं साहब क्या बताएं, अबे जब यहाँ से जाएगी ना तो पूरा गांव फूट फूट कर रोएगा। चलिए साहब आप भी तो ऐसे। अरे नहीं आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो अपने बड़े बेटे के लिए पूछ रहा था। ये तो क्या हुआ, एक चक्कर तू भी मार लियो। और जब बड़ा बेटा घर पे नहीं हो तो छोटे बेटे को दे दियो। नहीं भाई साहब मेरा बेटा नहीं बेटी है,
ये तो क्या हुआ, बेटी को दे दिया। आजकल मॉडर्न जमाना है, लड़कियों को भी छूट देनी चाहिए।